नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। 2 नवंबर 1962 की तारीख को कोलकाता में आगे पीछे 7 विमानों ने लैंड किया। यह विमान अमेरिका द्वारा भारत में भेजे गए थे। इन 7 विमानों में गोला बारूद भरा हुआ था जो भारत की मदद के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने भेजा था। चीन से भारत के संघर्ष के दौरान रूस भारत की मदद को नहीं आया, बल्कि इस टकराव में अमेरिका ने बड़ी भूमिका निभाई थी। यहां तक कि दूसरा मोर्चा खोलने के लिए तैयार पाकिस्तान को भी उसी के दड़बे में रोक दिया गया था। यानी भारत को जिस रूस से ज्यादा उम्मीदें थी वही पलटी मार गया। जिससे कोई उम्मीद नहीं थी वह चुपचाप भारत की मदद कर रहा था। इसका मतलब यह है कि कोई भी देश किसी देश का मित्र या शत्रु नहीं होता है, बल्कि उसके उस देश से अपने हित जुड़े होते हैं। इस वक्त अमेरिका का हित चीन को भरने से रोकने पर है। उस वक्त भी अमेरिका और रूस में क्यूबा को लेकर जबरदस्त तनातनी थी। आज चीन से उसके अनगिनत मतभेद जग जाहिर हो चुके हैं। अमेरिका चट्टान की तरह भारत के साथ खड़ा हो गया है, मगर रूस हितों के मकरजाल में उलझा आवे टावे दे रहा है। कल अमेरिका ने एक ऐसा फैसला किया जिससे चीन की नींद उड़ गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ऐलान कर दिया है कि वे यूरोप में स्थित अपनी सेनाओं को दक्षिण एशिया में तैनात कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि उन्होंने सीधा चीन पर आरोप लगाया और कहा कि यह साम्यवादी मुल्क भारत और दक्षिण एशिया के लिए बड़ा खतरा बनकर उभरा है। चीन का सामना अकेला भारत ही नहीं बल्कि अमरीका और यूरोप भी कर रहा है। खास बात यह है कि अमरीका की ज्यादातर सेनाएं जर्मनी आदि देशों से दक्षिण एशिया में तैनात हो चुकी है। ये सेनाएं किन स्थानों पर मौजूद है अमेरिका ने इसका खुलासा नहीं किया है। इसका साफ मतलब यह है कि चीन की घेराबंदी का शिकंजा बहुत हद तक कस चुका है। प्रत्यक्षतः भारत जितना आक्रामक दिखाई दे रहा है उसके मुकाबले अमेरिका कहीं ज्यादा ताकत से चीन की हेकड़ी निकालने को उतावला है। यानी अमेरिका न केवल युद्ध के लिए चीन को उकसा रहा है अपितु वह जरा सा मौका मिलते ही चीन पर चढ़ाई को तैयार खड़ा है। प्रशांत महासागर में मौजूद उसके 3 विमानवाहक जहाज वाशिंगटन के आदेश के इंतजार में एक्शन की तैयारी में है। पर सवाल अभी भी यही है कि चीन भारत या अमेरिका चीन के बीच जंग की कितनी संभावनाएं हैं। यह जानने से पहले यह भी जानना जरूरी है कि इस बार चीन की अपेक्षा भारत संघर्ष के लिए ज्यादा आक्रामक है। चीन जंग नहीं चाहता, मगर भारत उस पर गर्म हो रहा है। इसके पीछे कई बड़ी वजह है। कोरोना वायरस की वजह से चीन दुनिया के निशाने पर आया हुआ है। भारत को लगता है कि 1962 की हार का बदला लेने का यह अच्छा मौका है। ज्यादातर देश भारत के पक्ष में खड़े हो गए हैं। अगर जंग होती है तो भारत को अपनी जीत साफ झलक रही है। इस जंग के परिणाम चीन और भारत के बीच नया सीमांकन कर सकते हैं, जिससे दशकों से एलएसी का विवाद जड़ से खत्म हो जाएगा। दूसरा एक बड़ा कारण अक्साई चीन भी माना जा रहा है। इस वक्त भारत दौलत बेग ओल्डी तक 235 किलोमीटर लंबी सड़क बना चुका है। खास बात यह है कि रणनीतिक लिहाज से यहाँ भारत बेहद मजबूत स्थिति में है। दुनिया की आंखों में किरकिरी बन चुके चीन से अपना इलाका वापस लेने का यह अच्छा मौका है। यही से भारत को पीओके में प्रवेश करने का दरवाजा भी मिलता है, जो जम्मू एलओसी की अपेक्षा इस मोर्चे से भारत को रणनीतिक मजबूती देता है। यानी भारत की रणनीतियां बदल चुकी है। अब पीओके पर एक्शन लद्दाख रीजन से ही किया जाएगा। इस इलाके से पाकिस्तान को कम नुकसान में बड़ी चोट पहुंचाई जा सकती है। भारत किसी नेवले की तरह चीनी सांप पर बार बार वार कर रहा है। चीन पीछे पलटकर फुफकारता जरूर है, मगर वह जान बचाकर भागना भी चाहता है। लेकिन नेवले सांप के संघर्ष में सांप का बच पाना मुश्किल ही लगता है। नेवला इस बार कहीं ज्यादा आक्रामक होने के साथ अपनी प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित करके आया है, इसलिए सांप का विष उस पर बेअसर साबित हो रहा है। चीन समझ चुका है कि भारत उसे जंग के मैदान के लिए न केवल उकसा रहा है बल्कि खुलेआम ललकार भी रहा है। संभवतः ऐसे हालातों में चीन भारत से पीछा नहीं छुड़ा सकता है। वह जंग को रोकने हेतु बातचीत की पेशकश कर रहा है, साथ ही भारत के हमले के डर से सैनिकों की तैनाती भी बढ़ाता जा रहा है। लेकिन भारत है कि चीन को सबक सिखाने का मूड बना चुका है। एलएसी पर बढ़ती सरगर्मियां और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिछती बिसाते बहुत कुछ पूर्वाभास कराती है। धड़ाधड़ हो रही हथियारों की खरीदारी बातचीत के लिए नहीं है। इसे एक दूसरे पर दबाव के तौर पर भी नहीं देखा जा सकता, बल्कि यह सीधे सीधे किसी जंग के संकेत माने जा रहे हैं जो कभी भी इस क्षेत्र में शुरू हो सकती है। सही मायनों में भारत के इरादे चीन के प्रति अच्छे नहीं है। चीन को घबराहट है कि भारत कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे, क्योंकि उसे भारत के साथ अमेरिका का डर भी सता रहा है, जो जलती आग में उसे झोंकने के लिए तैयार बैठा है।
यानी चीन की हालत एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई और बीच में पिटाई वाली हो चुकी है। ऐसे में अमेरिका का खुलेआम भारत का नाम लेकर अपनी सेनाएं भेजना चीन के हाथ पांव फुलाने वाला है। अमेरिका का यह कदम चीन को डराने या चौंकाने के लिए नहीं है, बल्कि युद्ध का साफ संकेत माना जा रहा है। बड़ी बात यह है कि रूस इस बार भी 1962 के दौर वाली भूमिका में जा सकता है, क्योंकि उसके लिए चिंता की बात यह है कि वह दक्षिण एशिया में अमेरिका को एंट्री से नहीं रोक सकेगा, क्योंकि मामला उसके दो नजदीकी मित्र देशों के बीच है। यानी अमेरिका न केवल इस हिस्से में अपनी पैठ बढ़ा रहा है, बल्कि वह भारत को यहां महाशक्ति का तमगा देने के इरादे लेकर आया है। वैसे भी अब रूस इतना ताकतवर नहीं रहा है, इसलिए भारत के लिए अमेरिका जितना अहम है, अमेरिका को उससे ज्यादा भारत की जरूरत है। दुनिया में बदले घटनाक्रम में केवल भारत ही ऐसा मुल्क है जो अमेरिका की सुपर पावर की बादशाहत को बचा सकता है, और यह तभी होगा जब चीन का बंटाधार किया जा सकेगा। अगर चीन इस बार बच गया तो ना भारत और ना फिर अमेरिका को ऐसा मौका दोबारा मिलने वाला है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।